एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल कॉर्नर और मैं हूं नव्या। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं मेरा मेकअप हॉल। मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, मेरे कुछ प्रोडक्ट्स यहां पे हैं आपके साथ शेयर करने के लिए और मेरे कुछ प्रोडक्ट्स आना बाकी है। तो मैंने ये प्रोडक्ट्स मंगवाई है अमेजन एंड पर्पल से, मेरा नायका से भी प्रोडक्ट्स आना बाकी है, तो वो सारे आने में टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं पहले से जो भी प्रोडक्ट्स है मेरे पास वो मैं उसके साथ शूट कर रही हूँ। तो वीडियो में जाने से पहले प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो प्रोडक्ट है ये मार्स का लव फ्लश ब्लश पैलेट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी बहुत ब्यूटीफुल पैकेजिंग है। आप इस तरीके ओपन कर सकते हो और इसको ऐसा, यहाँ पे पूरा आपको 6 कलर्स की ब्लश मिल रहे हैं, देख सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, सारे ब्लशेस आपको हार्ट शेप में मिल रहा है और एक अच्छा खासा मिरर के साथ मिल रहा है ये, आप देख सकते हो। और ये बहुत पिगमेंटेड ब्लश है, आप इसे चाहो तो एज ए आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने लिया था अराउंड 280 रुपीज़ में, ये मैंने अमेजोन से लिया था। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरे पास ये स्ट्रे क्योर्की का मिनी लिपस्टिक्स। इसका रिव्यू एंड स्वाचेस मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो पूरा ब्लैक कलर की पैकेजिंग है, मैट ब्लैक कलर की, और अंदर में आपको पूरा 12 कलर की लिपस्टिक्स मिल रहा है। बहुत छोटे छोटे क्यूट क्यूट लिपस्टिक्स हैं, इतना सा। ये मैंने लिया था अराउंड 359 रुपीज़ में, और इसको मैंने लिया था पर्पल से। आप जो मेरे वीडियो चेकआउट करोगे तो उसके नीचे आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया मैंने, आप चाहो तो ले सकते हो। सो नेक्स्ट मेरे पास जो प्रोडक्ट है ये स्टे क्योर्की का बैडेस आईलाइनर, और मेरे पास है ये कॉपर शेड की आईलाइनर है। यही ऐसा बॉटल है, पूरा मैट ब्लैक की बॉटल है, और इसकी पिगमेंटेशन यार, कलर देख सकते हो आप। ये कॉपर कलर तो बोला है पर मुझे ये थोड़ा सा गोल्डन कलर लग रहा है। और ये मैंने लिया था अराउंड 125 रुपीस में, ये भी मैंने पर्पल से लिया था। और उसके बाद मेरे पास है NY बे का काजल, की पैकेजिंग बहुत अच्छी है। और ये है काजल, ये बहुत मैट ब्लैक कलर की काजल है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। मैंने इसे लिया था अराउंड 65 और 70 रुपीस के अंदर, और इसे भी मैंने पर्पल से लिया था। और उसके बाद मेरे पास है NY बे का कंसीलर, ये लिक्विड कंसीलर है। और मेरे पास जो शेड है मिल्क चॉकलेट प्रेट्सेल 2, और ये इस तरह की पैकेजिंग के साथ मिलता है आपको। बॉटल देखूँ तो ये बहुत लाइट कलर लगता है, पर जब मैं स्वॉच करके दिखाती हूँ तो थोड़ा सा येलो अंडरटोन में है। ये आपको हाइलाइटिंग कंसीलर की जैसा यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है, मेरे फेस पे कैसा जाएगा मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, तो मैं मेरे वीडियोस में बता दूंगी आपको। तो नेक्स्ट मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो इनसाइड का प्राइमर, इसे मैं लिया था 140 रुपीज़ में, और मैं इसको अमेजोन से लिया था। ये पूरा आपको 30 ml की क्वांटिटी में मिल रहा है और बहुत ही अच्छा प्राइमर है, बहुत ही सॉफ्ट है। और नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है ये गुड वाइब्स का लिप स्क्रब, मेरे पास जो है वो लेमन फ्लेवर है, और ये आपको 8 ग्राम्स की क्वांटिटी में मिलती है, और इसका प्राइस है अराउंड 106 और 108 रुपीस। स्मेल्स लाइक लेमन टोटली, तक ये कैसे वर्क करता है मैंने देखा नहीं, तो मैं आपको बता दूंगी ट्राई करने के बाद।
नेक्स्ट है मेरे पास ये एन वाई बे का लिक्विड आईलाइनर, ये बहुत छोटे क्वांटिटी में है और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। मैं इसे लिया था 90 रुपीज़ में और ये इसको मैं पर्पल से लिया था और बहुत ही ब्लैक और मैट लुक की आईलाइनर है जो मैंने वियर किया था। ये सेम आईलाइनर है, आप देख सकते हो। और नेक्स्ट मेरे पास है ये क्यूमिडाई का आई शेडो पैलेट, इसमें पूरा आपको 10 शेड्स मिल रहा है और देखो तो यहाँ पे एक छोटा सा मिरर भी दे रहा है। सिर्फ आप इसका आइस, आपको सिर्फ आपके आइस दिखता है और बहुत सारे कलर से 10 शिमरी कलर से कोई भी मैट कलर नहीं दिया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड आई शेडो है, बहुत ही ज़्यादा पाउडरी है, देख सकते हो। पर पिगमेंटेशन इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल है, एप्लीकेटर मिल रहा है। तो इसको मैंने लिया था अराउंड 150 रुपीज़ में। एंड नेक्स्ट मेरे पास है ये एन वाई बे का कॉम्पैक्ट, मेरा शेड है क्विंस वार्म हनी लुक 5 और इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इनर पैकेजिंग भी पूरा ब्लैक कलर की दिया हुआ है, आप देख सकते हो शाइन कर रहा है। और इसको इसके अंदर आपको मिल रहा है एक अच्छा खासा मिरर और इसके साथ आपको एक एप्लीकेटर भी मिल रहा है जो अच्छी है और आपको इस तरह की पाउडर मिलती है। पर इसमें मुझे एक चीज़ बुरा लगा, ये पूरा टूटा हुआ था, मुझे ऐसी हालत में मिला था। मैंने इसको अभी तक जोड़ा नहीं, आपके साथ शेयर करने के बाद जोड़ने के लिए सोच रही थी तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसको मैंने लिया था अराउंड 100 कुछ प्राइस है इसकी, मुझे याद नहीं है। तो नेक्स्ट के पास जो प्रोडक्ट है ये जेनेरिक की मेकअप ब्रशेस, ये पूरा सेट 10 ब्रशेस का सेट है। मैंने इसको अराउंड 280 रुपीज़ में लिया था अमेजोन से और ये बहुत फ्लफी एंड सॉफ्ट ब्रशेस है, सॉरी ये थोड़ा गंदा है, इसको मैंने यूज़ किया था और बहुत फ्लफी एंड सॉफ्ट है, आप देख सकते हो। इससे आप इजीली आई शेडो अप्लाई कर सकते हो, ब्लश अप्लाई कर सकते हो, फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो, पाउडर अप्लाई कर सकते हो, हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ब्रशेस है। मैंने सेलेक्ट किया था ब्लैक एंड गोल्डन कलर की ब्रशेस पर मुझे सिल्वर कलर की मिली है, पर कोई बात नहीं, ब्रशेस बहुत अच्छा है। और हाँ मैं बताना भूल गई, मुझे मार्स ब्लश पैलेट के साथ मुझे ये एडबनी का काजल फ्री मिला था और मैं इसकी कोई यूज़ नहीं करने वाली हूँ। सो गाइस नेक्स्ट जो मेरे पास प्रोडक्ट है ये इन कलर की बेकिंग हाइलाइटर, तो इसको मैंने लिया था अमेजोन से, यहाँ पे लिखा हुआ है बेकिंग हाइलाइटर इन कलर। तो ये ओपन करूँ तो इस तरह की पैकेजिंग है, थोड़ा सा जैसा डेजर्ट होता है ऐसा है ना, ऐसा पैकेजिंग है अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हाइलाइटर है, आप देख सकते हो, एंड बहुत ज़्यादा पाउडरी है, बहुत अब थोड़ा सा अप्लाई करो तो भी ये बहुत ज़्यादा लग रहा है और ये बहुत ब्लिंगी है जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा ब्लिंगी हाइलाइटर है, मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। पिगमेंटेशन तो काफ़ी अच्छा है पर मुझे बहुत ज़्यादा पाउडरी है इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और इसका प्राइस है 200 रुपीज़, तो 200 में आपको इस तरह के हाइलाइटर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट मेरे पास सबसे लास्ट जो प्रोडक्ट है ये हुडा ब्यूटी का लिक्विड मैट लिपस्टिक सेट, इसे मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से। इसकी रिव्यू एंड स्वाचेस मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी, आप चेकआउट कर लो। तो इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो पूरा मैट ब्लैक की पैकेजिंग है और जो भी इसकी लिपस्टिक शेड से ये यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पे ऊपर आपको एक लिपस्टिक मिल रहा है एक इस तरीके बॉक्स में। ये बहुत बड़ा बॉक्स है, आपको बहुत वेट भी है तो इसके अंदर आपको एक लिपस्टिक मिल रहा है पूरा मैट लिपस्टिक से।
पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है पर थोड़ा सा आपके लिप्स में चिपको लगेगा, चॉकलेट की स्मेल आ रहा है। इस तरह से ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरा 15 कलर्स की लिपस्टिक्स ऐसे रखे हुए हैं। इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो यार बहुत ब्यूटीफुल पैकेजिंग है और फाइबर की पैकेजिंग है ये। सारे लिपस्टिक्स आपको चॉकलेट की स्मेल आ रहा है, तो आप देख सकते हो पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है इसकी, बहुत ही अच्छा मैट लुक दे रहा है पर थोड़ा सा चिपकू लग रहा है। तो इसको मैंने लिया था अराउंड 650 में और शिपिंग चार्जेस के साथ मुझे मिला था 725 समथिंग में। तो मुझे अच्छा खासा 4 से 5 दिन के अंदर मिल गया था और अच्छा खासा पैकेजिंग के साथ कोई भी डैमेज नहीं हुआ था। मुझे लगा कुछ डैमेज होगा ही है। फिर मुझे तो इसकी शेड्स बहुत अच्छी लगी है, ताकि जो भी ये न्यूड कलर की शेड्स है वो बहुत स्किन टाइप सा लग रहा है, बहुत जैसे ही आपकी फेस है ऐसा ही आपके लिप्स के ऊपर भी कलर ऐसा लग रहा है। मुझे ये पसंद नहीं आया, कुछ 2-3 शेड्स ऐसा ही है। ये हाथ के ऊपर ऐसा दिख रहा है पर आप जब अप्लाई करते हो लिप्स के ऊपर तो ये दूसरा कलर ही दिख रहा है। तो ये थी मेरी लास्ट प्रोडक्ट। तो ये थी गाइस मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।